आज राम क्या बढ़िया नहीं क्यों तुमने भी अंतिम का ट्रेलर देख लिया क्या? कल सत्य में जयदेव को गालियाँ देखा था, आज अंतिम को गाली दूंगा। पता क्या, जब मैं एक ट्रेलर से गाली देता हूँ लोगों को लगता है कि मैं नफरत करता हूँ वो स्टार से या स्पेसिफिक आर्टिस्ट से। ना ऐसा कुछ नहीं, मुझे मालूम है बहुत मेहनत जाती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अबे बैठ के अगर ग्रुप में इकट्ठी करोगे तो मेहनत थोड़ी करूंगा मैं, तारीफ थोड़ी करूंगा। गंदगी कर रहे हो फिर तुम, अपने अपने घर में करो ना, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? मेरा तो वैसे ही टाइम खराब चल रहा है यार। आर्यन खान को बेल मिल गई, आज भैया घर भी पहुंच गए, और भाई साहब सेलिब्रेशन तो ऐसे हुआ मन्नत के बाहर जैसे राम जी वापस वनवास पूरा करके आए हैं। मतलब फैंस नाच रहे घर के बाहर, मेरा पिया घर अबे तेरा तो पिया भी नहीं और ना तेरा बेटा, तू अपना काम कर ना बे। मानो या ना मानो, पसंद करो या ना करो, भाई भाई हैं पूरे बॉलीवुड के, कितनों की जिंदगी बचा रखी है। अबे अभी तो अपने साले साहब जी जाजी को जॉब पे लगा रखा है। बताओ भाई साहब, सलमान खान की जो प्रोडक्शन हाउस है ना, उसने 2015 से एक भी हिट फिल्म नहीं दी है, बैक टू बैक फ्लॉप। और ये तो दूसरी मूवी कर रहा है अपने जीजा के साथ, पहली वाली फ्लॉप करवाने के बाद। भाई का पैसा इतना ही होना चाहिए कि जीजा को सेट कराने के लिए भाई कुछ भी करेंगे। और भाई की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि भाई बोलते काम में करते ज्यादा है। वरना आर्यन खान रिलीज हुआ जूही, अरे बहुत सुकून मिला है। किसको? शाहरुख खान को, गौरी खान को, वो समझ में आता है। तू किस बात में खुश हो रही है बे? जा तेल वाला अपने पति के सर पे, शायद बाल आ जाए। भाई अगर खुद गंजा होगे दूसरे को गंजा बोलना मजा ही कुछ और है। पर छोड़ो, बहुत बात होगी आर्यन खान की, कल से बात नहीं करनी तो आज से ही बंद कर देते हैं। करने के बाद कह रहा हूँ, आज से बंद कर देते हैं। बीवी का तुम्हें मालूम है श्रद्धा कपूर के साथ एक गाना आने वाला था, जो हमने पहले भी बात की थी कि फ्री फायर के साथ वो कोलैब कर रहे हैं, तो अब वो गाना आ चुका है किल चोरी। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उस गाने से, पूरा गाना ही प्रॉब्लमेटिक। डांस से एक्टर से एक्ट्रेस से कुछ दिक्कत नहीं मुझे, पर गाना क्या हगा है, क्यों हगा है? अरे हनी सिंह का ही उठा लेता यार, दिल चोरी किल चोरी। नहीं पहले अच्छी टट्टी अवेलेबल है तो हम फिर से गंदगी क्यों कर रहे हैं? किल करे चोरी बुलेट धारी गोरी, कोई सेंस है इस बात में? लिरिक्स से मजे लेने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि आधी लाइन तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा यार, फ्री फायर से रिलेटेड क्या है, पबजी से भी रिलेट कर दो इसे कुछ भी। बट एक चीज ही खुशी है या कंफ्यूजन है, बीवी एक्चुअली देखने में अच्छा लग रहा है, डांस भी अच्छा कर रहा है और एक्टर तो अच्छा है ही है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि बीवी ने ज्यादा सक्सेस कर ली या श्रद्धा कपूर के बुरे दिन आ रखे। अबे ए लिस्टर के साथ काम करने के बाद यूट्यूबर, तुम्हें क्या लगता है मुझे बताओ? मेरे को जानना है किसका अच्छा है। एक्चुअली भुवन का अच्छा चल रहा है, सही बात है। तो कल मैंने क्वेश्चन किया था बीवी से कि ये इतने छोटे छोटे एपिसोड क्यों कर रहे हो, तो पहला एपिसोड 20 मिनट से ऊपर का था। तो पता चला कि जब मैंने ये बात बोली उसी टाइम भाई लाइव स्ट्रीम करके पहले ही आंसर कर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ ये बोला, भाई इतने छोटे एपिसोड्स क्यों बनाते हो यार? तो क्या है, मैं रेगुलर जो एपिसोड्स बनाता था अपने, वो 5 मिनट के होते थे, 5-6 मिनट के होते थे। तो एनीवे वो 5 मिनट का एपिसोड जब 16 मिनट का 17 मिनट का हो जाता है, तो एनीवे वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जंप है, और मैं नहीं चाहता कि जनता बोर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कॉन्टेंट शॉर्ट और स्क्रिप्ट रहे, मतलब क्रिस्प रहे, इसीलिए 16 मिनट का ही रखना था मुझे हमेशा से एपिसोड। और सही है, मतलब अब आई हैव टेकन दिस इनटू कंसिडरेशन, और नेक्स्ट सीजन में वील ट्राई टू मेक इट अ लॉन्गर लेंथियर एपिसोड। बट हाँ, क्रिस्प अच्छा लगता है, देखने में भी मजा आता है, और स्टोरी चलती रहनी चाहिए, बस मजा आना चाहिए। क्या कहते हैं, है ना? आशीष चंचलानी, अभी आशीष चंचलानी ने इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दिया है कि वो इस वीक में 2 वीडियो अपलोड करने वाला है। मैं कहा छुट्टी पे जा रहे थे ना आप तो? अरे मैं वेट कर रहा था कि वापस आओगे, इतनी जल्दी वापस आओगे? अबे जाने का मतलब रेस्ट करो यार, ऐसे कौन जाता है? अगर इतनी जल्दी आना तो बोलते नहीं। अबे उम्मीद जगह के ऐसे मत तोड़ा करो, गलत बात है। नहीं ऐसे मजाक करो, एक्चुअली खुश हूँ मैं। तो एक उन्होंने बोला कि आशीष वाले चैनल पे आएगी और एक कुणाल वाले चैनल पे आएगी। मैं कहा ठीक है, अपना काम ही है, यहाँ पे आके चुगलियाँ करनी होती है और फिर फ्री टाइम है देख लेंगे, हमारे पास तो बहुत फ्री टाइम है। लेकिन क्योंकि ये कुछ रिसेंटली हुआ था ड्रामा, मैंने कवर नहीं किया था कि किसी बंदे ने अक्यूज किया था मिथ पैट को कि उसने थंबनेल चोरी किया, तो उसके बाद मिथ पैट ने आके बोल दिया अबे ओ हरामी ट्रांसफॉर्मेटिव है, मैंने अपनी फोटो लगाई है, चेंजेस की हैं, बकवास नीचे मुझे। और एक मिनट तू क्यों बोल रहा है बे? जिसका है वो बोले तो समझ में आता है, क्योंकि उसका दोस्त उस बंदे के बिहाफ पे बोल रहा था। तो अभी उस दोस्त ने वीडियो डाल दी है और ये कहा है, कह रहे थे कि न्यूक्लियर मिशो का को थंबनेल कॉपी किया था तूने, क्यों वीडियो बनाया? तो भाई उसका पीसी खराब हो रखा है, उसने मेरे को कहा, और उसने ये भी कहा है कि मिथ पैट भाई अगर आपने 2 दिन में ये थंबनेल नहीं हटाया तो आप ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारेगा, तो चॉइस इज योर्स, अगर 2 दिन में अगर ये आप थंबनेल हटा लेते हो तो काफी बढ़िया बात है, वरना कॉपीराइट स्ट्राइक तो आई। देख मेरे को पता नहीं मिथ पैट का नेचर क्या है, बट देखने में अच्छा लगता है, वाइब भी अच्छी है, ये धमकी लग रही है मुझे, और धमकी हम लेते नहीं देते हैं, बकवास करवा लो। अगर तू कॉपीराइट मार सकता है ना, अगर है, अगर तुझे जेन्युइनली लगता है कि उसने गलत किया है, मार दे,
मार दे मान जाऊंगा मैं भाई। तुम्हें मालूम है ना रॉन्ग कॉपीराइट देने के चक्कर में तेरा खुद का चैनल भी जा सकता है, तेरे दोस्त का चैनल भी जा सकता है। ऐसी धमकी आप किसको दे रहा है बे? ड्रामा क्रिएट करना सीधा के बोल दे अब भाई व्यूज दिलवा दो। बकवास कर छोटे क्रिएट, ये क्या है ये छोटा? तेरी सोच छोटी है, मैं अमित बड़ को भी चार गाली दे दूंगा, क्यों बड़ा है तो नहीं बोल सकता मैं। अबे खुद थोड़ा मैच्योरली सोचो, वो जो समझा गया प्यार से तो समझ ना। नहीं नहीं कॉपी एक तो हर क्रिएटर की प्रॉब्लम है। अबे पॉजिटिव रखो, हंसी मजाक में निकल जाए कॉपी। सबको लड़ना ही है क्या? सबको थाराबाई जोगिंदर बनना है क्योंकि उसको तो चैन नहीं है। अभी तुम्हें कल की वीडियो में दिखाई दिया था कि कैरी मेनाटी ने थाराबाई जोगिंदर के ऊपर फिर से दो चार बातें बोल दी और कंफर्म कर दिया कि लोग चाहते हैं जोगिंदर के ऊपर रोस्ट, जोगिंदर चाहता है जोगिंदर के ऊपर रोस्ट तो कैरी करेगा, जनता जनार्दन है। तो अब इस बात पे गुस्सा हो गया कैरी पे, इस बात पे। और भाई क्या ही किया है, तुम देखो और इंजॉय कर लो क्योंकि मेरे से भी नहीं होती ऐसी चीजें। तो खोल का बात सुनियो कैरी मिनाटी, ना कैरी सुनेगा ना मैं सुनूंगा। निकल पहली फुर्सत में, निकल। तू हल्के में ले रहा था ना, अभी भी हल्के में ही ले रहे हम सब। कहीं पर लग रहा है मैं सीरियस हूँ तेरी धमकी को देख के। ये कुछ नया लेके आया भाई साहब, जहाँ पे शब्द नहीं होते बस आवाजें होती हैं। एक्चुअली इसकी हर वीडियो में यही होता है, सेंस नहीं होता बस बातें होती हैं। वेट करो, हर वीडियो डिलीट कर दियो दो तीन दिन के अंदर जिसने रोस्ट मारा है, वरना भूचाल। चुप कर माता। सौरभ जोशी सबसे सही बंदा, सौरभ जोशी बता रहा हूँ। कोई पंगा वंगा नहीं कर रहा, अपना कर रहा है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। अभी उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के बताया है कि लास्ट 50 वीडियोस, मतलब लास्ट 50 डेज में उसने 52 वीडियोस डाली हैं और 52 ट्रेंडिंग पे थी। देखो वैसे बड़ी खुशी हुई मुझे कि हाँ भाई के लिए अच्छा हो रहा है, बट दिल से तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। राखी सावंत न्यूज में आई आज, क्योंकि उसने जो अपने लिए प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, उनका हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो रखा है, तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो उसको चुम्मा चाटी कर रही है उसके साथ, प्लास्टर के साथ। मैं तो तुझे मालूम है ना कौन है वो, पता है ना, दूर रहे उससे। बस इतनी सी न्यूज थी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। अब फालतू बकवास है, देखना तो देख ले, नहीं तो सो जाओ हिला के, मैं कुछ नहीं कर सकता। एप्पल पे दोबारा केस मार दिया किसी बंदे ने क्योंकि उन्होंने चार्जर नहीं दिया। मैं बहुत बढ़िया किया, सही है। अबे क्या हरामी कंपनियां, मतलब पहले दो किडनी बेचने के बाद तेरा फोन लूं, फिर चार्जर क्या बेच के लूं मैं बता रहा हूँ। 2011 से ना मेरा सपना था आईफोन बाय करने का, और अभी ये साले चार्जर नहीं दे रहे। ओ भाई तुम ये कह रहे हो कि पूरी दुनिया के पास पहले से आईफोन है कि उनके पास ऑलरेडी चार्जर होगा? पहले तो साले 1.5 लाख का फोन दे रहे हो तुम, और फिर चार्जर के लिए अलग से बोल रहे कि हाँ अरे नहीं होना चाहिए ना, हम बचा रहे, बेवकूफ बनाना कहते हैं इसे। भाई साहब जिस दिन से इन्होंने अनाउंस किया ना चार्जर नहीं देंगे, मेरा सपना ही रह गया वो, मैं खरीदूंगा ना, बेवकूफ थोड़ी हो यार। ये जितने आईफोन वाले एक्साइटेड होकर दिखाते रहते ना आईफोन, मेरे लिए तुम बेवकूफ ही हो, शो ऑफ कर रहे। अबे 20,000 में वीवो मिलता है, बहुत सही। चाइना नहीं चाइना ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बजट में वही आता मैं ले लिया। अगर तुझे प्रॉब्लम है मुझे आईफोन गिफ्ट करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लीवा लाइट मिडिल क्लास लाइट। बाकी देखो बाकी 9 बज गए हैं, अब एडिट करने का टाइम आ गया है, तो 8 मिनट से ऊपर हो जाए बस। मल्टीपल एड लगाने होते हैं, मैं घर चलाना होता है, ठीक है बकवास मत किए। सो लाइक कर देना। बाकी मिस्टर बीस देखो फिर से भीख मांगने आ गया, कहता पहले पेड़ लगाए थे तो तुमने पैसे दिए थे, अब नदी साफ करेंगे इस साल के एंड तक, पैसे दो। अबे अमेरिका की नदियां साफ नहीं करनी, पूरी दुनिया की करनी है। और अब क्योंकि वो मिस्टर बीस से लोग कर भी देंगे, मैं मानता हूँ कि हो सकता है ये चीज पॉसिबल है क्योंकि मिस्टर बीस, बट अगर तुम जाके माई टीम की जो थी इसकी पहले वाली कैंपेन थी उसमें देखोगे तो इंडिया में कितनी प्लांट डाली है वो तुम्हें दिख जाएगा। अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ इंडिया नेपाल का, नेपाल में ज्यादा डाली है, इंडिया में नहीं डाली। अगर तुम कह रहे हो कि हाँ $1 दोगे तो $1 हटा दे देंगे, ठीक है मान लिया मैंने, बट 5 साल बाद फिर से वही चीज हो जाएगी और फिर तुम यही चीज कर रहोगे तो फायदा क्या है? क्योंकि हम तो नहीं सुधर रहे ना, और गालियां तो मैं ऐसे दे रहा हूँ उसे जैसे मैं पैसे देने वाला हूँ। अरे हम शुद्ध गरीब है, इल्ले मनी इल्ले, बट लाइक तुम दे सकते हो, दुआएं मिलेंगी मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ से दोनों साइड से। तुम मुझे लाइक दो मैं तुम्हें दुआ दूंगा। अरे राहुल दुआ नहीं, असली वाली दुआ, अरे जो भेजी थी दुआ वो वाली, क्या बकवास कर रहा है। तो अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट।